नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज मैं थोड़ा अपने मन की बात करने जा रहा हूँ। थोड़ा टॉपिक से अलग भी है और ये भी है कि शायद वो जरूरी भी है बताना कि मेरे मन में भी क्या चलता है। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें हमने क्रिटिकल, सर्जिकल, लास्ट स्टेज, कॉम्प्लिकेटेड या कई बार ऐसी उम्मीदें जिसमें लोग एक तरीके से छोड़ चुके होते हैं, वहाँ पर हमने मेहनत की और काफ़ी लोगों को ठीक भी किया। करीब 3,000 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा और वीडियो फीडबैक या रिपोर्ट्स के आधार पर आप उन लोगों की रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्स को देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं यूट्यूब के चैनल पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर। लेकिन दोस्तों, मैं इसमें एक मन की बात बोलना चाहता हूँ कि जो इंडिया में होम्योपैथी आई थी, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हमको स्लो ट्रीटमेंट के रूप में मिला था, वो बेसिक क्लासिकल होम्योपैथी के रूप में मिला था। और जब हम इसको प्रैक्टिस के लेवल पर जब हम इसको यूज़ करना चालू करते हैं तो लोगों को चूंकि हमसे बहुत उम्मीद होती है और खास करके उस जगह पर जहाँ पर लोग एलोपैथी में भी कई बार रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं या एक तरीके से सब कुछ करने के बावजूद भी उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा है या इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि उनसे उनको कितना फ़ायदा मिलेगा और रिस्क ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वो लोग जब हमसे अप्रोच करते हैं, चाहे वो कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट हैं या एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें ऑपरेशन भी किया जा चुका है, कीमो रेडिएशन किया जा चुका है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब कई बार पेशेंट डायरेक्ट भी आते हैं, कई बार ये सब करा के भी आते हैं, कई बार किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्टेज में खड़े होते हैं फिर भी वो हमसे उम्मीद करते हैं क्योंकि 18-18 क्रेडिन तक के पेशेंट हमसे मिलते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जो सर्जरी बहुत क्रिटिकल होती है, जिनके लिए सर्जरी बहुत एकमात्र विकल्प होता है, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि उसके बावजूद भी वो कितना सक्सेसफुल होगा, कितना रिस्क उनको लेना पड़ेगा या उसके बावजूद भी उनको आगे तकलीफ प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं। ऐसे कई पेशेंट के जब ट्रीटमेंट, चाहे वो ट्यूमर के ट्रीटमेंट हो, ब्रेस्ट के गठान है, बच्चेदारी में गठान है, ब्रेन में ट्यूमर है या हो सकता है कैंसर की भी गठान हो, तो इस तरीके के केसेस या कुछ ऐसी बीमारी जिसमें वो काफ़ी लंबे समय से इलाज ले चुके होते हैं या ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी रिकवरी स्पीड नहीं आ रही होती है और बॉडी का रिस्पांस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है और काफ़ी समय से दवा लेने के बावजूद भी वो अपने रिस्पॉन्स को कमज़ोर कर चुके होते हैं या सप्रेशन में जा चुके होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की कई अन्य रेयर बीमारियाँ जो 300 प्रकार की बीमारियों में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे कई क्रिटिकल सर्जिकल आखिरी स्टेज के पेशेंट, पैथोलॉजिकल जो क्राइटेरिया में भी आते हैं, जो इनक्योरेबल डिग्री में भी माने जा सकते हैं मेडिकल साइंस में, कई बार जिसका इलाज नहीं होता है, जब ऐसे पेशेंट हमसे अप्रोच करते हैं तो निश्चित रूप से उनको ये तो तय है कि हमसे उम्मीद करेंगे। तो लेकिन एक चीज मुझे भी बताना जरूरी है कि चूंकि होम्योपैथी का जो सिस्टम था चूंकि बहुत ही स्लो था, हमने उसको फास्ट करने के लिए जो मेरा रिसर्च है वो ये कहता है कि हम जैसा केस है उसके हिसाब से डोज को सेट करते हैं। तो अगर मैं किसी पेशेंट के लिए, अगर उस स्थिति में जब मैं काम करता हूं, जब सबने उम्मीदें मना कर दी है या एक तरीके से पेशेंट भी होपलेस हो रहा है या एक तरीके से मेडिकल साइंस हेल्पलेस हो रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा दोस्तों आपको हम पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा और हमारी इस मेहनत को भी आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें भी थोड़ा बहुत आपको एक मानवीयता का हमें एक सहारा देना पड़ेगा क्योंकि हम भी आपके लिए तब मेहनत करते हैं जब सबने मना कर दिया होता है। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पर जब सब मना कर देते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, कई बार मुझ पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर्स होता है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा करूं, बहुत फास्ट करने की कोशिश करूं और कई बार इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं बहुत लंबे समय तक कोई दवाई दे पाऊंगा क्योंकि केस बहुत ही अंतिम अवस्था में आता है, तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता। फिर भी हम अपने डोज को जितना हम मेंटेन कर सकते हैं, मेरा रिसर्च के हिसाब से, मेरा अनुभव के हिसाब से, जो 20 साल का अनुभव है, हम उसको फास्ट करने के लिए, हम आपको डोज प्रोवाइड करने के लिए, हम आपको जब देते हैं तो उसका रिस्पांस देखने के लिए हमें फीडबैक रिस्पांस की जरूरत पड़ती है जो आपको आगे फॉलोअप में देना पड़ता है। दोस्तों, कई बार मैं देखता हूं कि जब बीमारी जितने लेवल पे होती है तो जब हम डोज देते हैं तो जब आप हमें बताते हैं तब हमारा अगला ग्रेड तय होता है कि हमें उसमें अगला ग्रेड क्या, उसको कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा कुछ हमारा विजन है जो हम इसको एग्रेसिव और करने के लिए हम क्या देंगे। तो इसके लिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो थोड़ा पेशेंस भी रखें क्योंकि मैं मानता हूं कि बीमारी क्रिटिकल है तो पेशेंट्स को पेशेंट रखना या पेशेंट को पेशेंस रखना एक तरीके से बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको फास्ट ट्रीटमेंट दें क्योंकि होम्योपैथी 5 बूंद 10 बूंद वाला तो हम कोई ट्रीटमेंट दे नहीं रहे, हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट ही देंगे। तो आप निश्चिंत रहें, जितना भी हम डोज देंगे उसका भी हमें फीडबैक और रिव्यू करने के लिए हमें उतना समय मिलना चाहिए जो हमने उस वक्त पहली बार में दिया होता है कि इसका रिस्पॉन्स देखने के लिए हमें इतने दिन बाद फॉलोअप में देखना रहेगा। तो जब भी आप वापस आते हैं तब हमें उसके रिस्पॉन्स और रिपोर्ट के आधार पर जो अगला डोज है डिसाइड करने में मदद मिलती है। अगर हमें लगता है कि हम कुछ और इसमें उम्मीद कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से उस रिपोर्ट और रिस्पॉन्स के आधार पर जरूर बढ़ाएंगे। और अगर किसी पेशेंट को उसकी बॉडी रिस्पॉन्स के हिसाब से अगर इतना फायदा नहीं भी मिल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसके हिसाब से जो भी अगला डोज है उसको बढ़ाकर आपको कवर करने के लिए उसको बढ़ाएंगे और ये हमारा पूरा विश्वास है कि उससे आपको फायदा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं उम्मीद ये करता हूं कि जब भी आप इसका ट्रीटमेंट लें, जो मेरे यहां से जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से हम जो दे रहे हैं
उसमें आप हम पे विश्वास करें और हमारे प्रयासों को भी स्वीकार करें, क्योंकि हम तब करते हैं जब सब मना कर देते हैं। और शायद ईश्वर ने अगर मुझे थोड़ा सा भी शिफा दिया है, थोड़ा सा भी मेरा विजन है कि हम किसी के लिए अंतिम अवस्था में भी या उस अवस्था में भी हम अच्छा करने की कोशिश करें, तो बिना ईश्वर के आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता। मैं स्वयं यहाँ बैठने से पहले ईश्वर को यहाँ पर बैठाता हूँ और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ और मैं रोज मेरी प्रार्थना में बोलता हूँ कि ईश्वर मेरे यहाँ से जिसका भी भला हो सकता है जरूर करना, क्योंकि आपका भला होगा तो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है और किसी का परिवार चलता है, किसी को फिजिकली ठीक करेंगे, मेंटली कॉन्फिडेंट होगा, वो सोशली भी जिस काम से जाना जाता है, जिस काम के लिए करने के लिए माना जाता है, वो अच्छे से कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उसके परिवार को मिलता है, समाज को मिलता है। तो जब आप खड़े होते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। और दुनिया का कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को खराब नहीं करता, किसी भी पेशेंट को नुकसान नहीं करना चाहता। अगर हमारे पास भी पेशेंट कई बार अंतिम अवस्था में आते हैं तो हम मानते हैं कि जिन्होंने भी पहले ट्रीटमेंट जहां पे भी लिया था उन्होंने भी अपनी कोशिश की थी, उन्होंने भी अपना प्रयास किया होगा। पर कई बार ऐसा होता है कि चूंकि बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है, कई ट्रीटमेंट किसी प्रकार के पेशेंट को सूट नहीं होते और कई बार कंडीशन के बावजूद भी रिकरेंस या होपलेस वाली स्थिति आ सकती है, उसके बावजूद भी डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत करते हैं। पर उसके बावजूद भी अगर मेरे पास आते हैं तो मैं भी मेहनत करूंगा और उसके बाद भी अगर आपके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें तो हमें अच्छा लगेगा। जिस हिसाब से 3000 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा जो हमारे पास लाइव है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है और उस वक्त भी है जब सबने मना कर दिया था। अगर उसके बावजूद भी अगर हम किसी केस में प्रयास करते हैं और अगर हम उसमें कई बार 1% केस में हम सफल नहीं हो पाते हैं तो प्लीज़ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रयास और जो भावना है उसको गलत ना समझें और हमारे लिए एक सद्भावनापूर्वक जो व्यवहार है वो उसको मेंटेन रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी बुरा लगता है जब हम अगर हम किसी पेशेंट के लिए अच्छा करते हैं और उसके बावजूद भी हमें समय नहीं मिला या उसकी उम्मीदों के भी कई बार अगर हम 1% उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं कर पाए तो ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने नहीं दिया, हमने तो प्रयास पूरा किया, कोशिश भी की, डोज भी बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिव नहीं है, बीमारी की सीवियरिटी कई बार ज्यादा है तो हो सकता है कि हमें इतना समय नहीं मिले कि हम इस ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से आपकी उम्मीदों के अनुसार पूरा कर पाए, लेकिन हमारा प्रयास कम नहीं है, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। हम उसके लिए उस दिन भी प्रयास करते हैं जब वो आता है और उस दिन भी प्रयास करते हैं जब वो फॉलोअप में आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बस इतनी सी बात मेरे मन में है कि आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट और सम्मान को मेंटेन रखें और जो भी रिस्पॉन्स है, रिपोर्ट है, हमें बताएं और आगे के जो भी जो अपग्रेडेशन होते हैं उसको हम आपके केस के अनुसार जब देते हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करें और उस हिसाब से जो भी रिस्पॉन्स है हमें बताएं। और भी कोई विशेष परिस्थिति में अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होता है तो हम समय पे जो भी आपके फॉलोअप आते हैं उसमें हम डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम चेंज कर पाते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप इसको मेरे मन की जो बात है उसको समझेंगे और इसका रिस्पॉन्स के साथ जैसा भी है हमें बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज, अगर हमारे यहां से किसी प्रकार से कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ आ रही है तो बिल्कुल आप यहां पे जो 4-5 डॉक्टर्स की टीम है उनको भी बताएं। अगर फिर भी कोई तकलीफ आती है तो आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सोशल मीडिया का बहुत सारा कम्युनिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके थ्रू हमें नॉलेज मिलाएं और अगर कोई बात रहती है तो निश्चित रूप से हम उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरा भी ये कहना है कि ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है और हमें स्वस्थ रहने का पूरा हक है और एक डॉक्टर के रूप में चूंकि ईश्वर ने अगर हमें इतना शिफा दिया है, इस सीट पे बैठाया है, तो बिना ईश्वर के आशीर्वाद के हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए उनके आशीर्वाद से ही ये सब संभव हुआ है। और कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन दिए हुए आशीर्वाद को आपके लिए फलीभूत कर सकें और आपके लिए जो बेस्ट हो सके उसको मॉडर्न ओपीडी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर सके। हमारे प्रयासों में कमी नहीं है, इस बात की हम आपको पूरी श्योरिटी देते हैं और जो भी रहेगा बेस्ट हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों एक और बात बोलना चाहूंगा कि जब हम किसी पेशेंट के लिए उस स्टेज पे अच्छा करते हैं जब सबने मना कर दिया है तो निश्चित रूप से वो हमें भगवान के रूप में मानने लग जाता है। तो दोस्तों ये तो खैर सही है, वो आपका मन का रिस्पेक्ट होता है जो आप हमें इतनी बड़ी पद पे आप उसका उपासना या एक तरीके से संज्ञा देते हैं, लेकिन सही मायनों में हम भगवान नहीं है। भगवान के भेजे हुए कहीं ना कहीं उस रूप के लिए हम कुछ कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में जो उन्होंने मौका दिया है उसको हम अपने अच्छे तरीके से कर सके, तो निश्चित रूप से उनके दिव्य आशीर्वाद से ही सब हो सकता है और उन्हीं की कृपा से ही ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमारा भी प्रयास होता है कि हम आपके लिए बेस्ट कर सकें। अगर फिर भी किसी कारण से अगर हम आपके लिए कुछ कई बार चाहकर भी अच्छा नहीं कर पाए तो प्लीज़ आपसे रिस्पेक्ट है फुली, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम ईश्वर के आशीर्वाद के हिसाब से ही सही, कम से कम हमारे लिए भी अच्छा सोचिए और कहीं ना कहीं हमें वो रिस्पेक्ट और जो व्यवहार है वो हमेशा मेंटेन रखें। दूसरी बात दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी पेशेंट के लिए कई बार डोज बढ़ाते हैं, कई बार रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्स देखकर जब हम डोज बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी कॉस्ट ना बढ़े। और जो होम्योपैथी का बेसिक कंसेप्ट होता है वो चूंकि स्लो होता है और हम जब डोज ज़्यादा देते हैं तो थोड़ा कॉस्ट पेशेंट को दवाइयों के कारण आती है और जब हम और डोज बढ़ाते हैं तो वो कॉस्ट भी हमें बियर करनी पड़ती है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट हमारा कंटिन्यूशन में है, अगर फॉलोअप प्रॉपर दे रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ाए पर जो डोज है हम बढ़ा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट ग्रेड पे जाके केस को शिफ्ट किया जा सके और आपके लिए
जो हमारा रिसर्च है उसके हिसाब से हम जो बेस्ट और दे सकते हैं उसको हम और देने की कोशिश कर सकें। उसके लिए हम जब दवाइयाँ बढ़ाते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी कॉस्ट ना बढ़ाएं, पर दवाइयों का डोज बढ़ाकर आपकी मदद कर सकें और इसको पूरा कर सकें। तो कई बार दोस्तों जब डोज बढ़ाते हैं तो हम कॉस्ट नहीं बढ़ाते हैं, इसके लिए भी आप हमारा कहीं ना कहीं इस बात को मानें कि हम इस पूरी कोशिश को करते हैं कि आपका मोरल और हमारा मोरल इसमें कहीं कहीं मेंटेन रहे। और दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक बार मैं और बोलूँगा कि किसी भी तरीके से आप जो एक डॉक्टर के प्रति रिस्पेक्ट है वो ना कम करें। कई बार मेरे मन में भी ये बात आती है जब कि मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब सब मना कर दें मैं अकेला मेहनत करूँगा तो भी मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं क्यों करूँ। तो मेरे मन में बात आती है, मेरे परिवार में भी बात आती है कई बार कि मैं चाहकर भी उनको समय नहीं दे पाता हूँ, मैं चाहकर भी उनके साथ पूरा समय नहीं रह पाता हूँ। और चूंकि 12-14 घंटे हमारी क्लिनिक का टाइम रहता है और सब दिन भर 19 देशों के जो पेशेंट हैं ऑनलाइन भी रहते हैं, तो कहीं कहीं फ़ोन कॉल्स भी बहुत रहते हैं। 4-5 डॉक्टर्स तो सिर्फ फ़ोन पर मैनेज करते हैं, तो सबको मेरे घर वालों को भी लगता है कि ये सब करने की इतनी क्या ज़रूरत है, आप अपना कम से कम काम करके भी मेंटेन कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करेंगे तो क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों मेरे मन में एक जो आप में आज मन की बात है चूंकि तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ईश्वर ने इस जन्म में मुझे भेजा है तो मैं जितना हो सकेगा तब तक मेरा बेस्ट दे सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस दुनिया में मानवता के हित में जो मेरा रिसर्च है कहीं ना कहीं आगे लोगों के लिए फ़ायदा कर सके, और उसके लिए मैं खड़ा रहने की पूरी कोशिश करूँगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए मैं इतनी सारी विषमताओं के बावजूद भी, इतनी उम्मीदों के बावजूद भी, इतने जो कह सकते हैं कि हमसे इतना लोड जो लेने की प्रवृत्ति है उसमें मैं जितना बेस्ट ले सकता हूं मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपना बेस्ट और संभव प्रयास दे सकूं। तो दोस्तों प्लीज़ मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो मोरल है वो हमेशा बना रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जाने से पहले, इस दुनिया में जाने से पहले, मैं मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी का जो भी बेस्ट लेवल का जो मैं प्रयास है जो मैं इंडिया से देना चाह रहा हूं उसको मैं लोगों को दे सकूं और कहीं ना कहीं WHO तक भी मैं पहुँचा सकूं, ताकि लोगों को कई बीमारियों का जो अभी तक लाइलाज है, चाहे वो कई क्रिटिकल बीमारियां हैं, कई ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जिसमें कई बार दूसरे सिस्टम के जो डोजेस फेल हो रहे हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट और स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी दवाइयों से वो लोग रिवर्स हो रहे हैं, मतलब आर ए फैक्टर, एन ए फैक्टर, HLA-B27 जैसे फैक्टर रिवर्स हो रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये रिसर्च कहीं ना कहीं स्टेब्लिश भी होता जा रहा है, इतनी सारी एविडेंस बेस्ड डेटा हमारे पास मौजूद है जो हम कहीं ना कहीं वेरीफाई करवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसका वेरीफिकेशन जब हम आगे के स्टेप में जब WHO को देंगे तो उसका फायदा दुनिया को मिले, और उसका कहीं ना कहीं पूरा विश्वास है कि मेरे जाने से पहले दुनिया को उसका फायदा जरूर मिलना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी हमारा रिस्पेक्ट मेंटेन रखें और हमारी कोशिश और प्रयासों को हमेशा सद्भावनापूर्वक आप कहीं ना कहीं स्वीकार करें, और अगर फिर भी कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। अगर आपको हमारे किसी व्यवहार से, तन मन वचन से, किसी प्रकार से अगर हो सकता है जानते अजानते भी हमने, चूंकि मैं एक जैन भी हूं, मेरे संस्कार में और मेरे परिवार में भी ये सीख है कि हम मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं, साल में एक बार हम संवत्सरी जो महोत्सव होता है उसमें हम 84 लाख योनि के सभी जीवों से हम माफ़ी मांगते हैं। अगर फिर भी अगर हमसे कोई किसी कारण से जानते अजानते आपके मन को ठेस पहुंचा हो, किसी वचन से किसी को तकलीफ पहुंची हो सकता है हमारे प्रयासों के बावजूद भी अगर हमने किसी प्रकार से अगर आपको कोशिश करके भी अगर आपको फ़ायदा ना हुआ हो तो हम उसके लिए आपसे फिर से माफ़ी चाहेंगे और बारम्बार क्षमा याचना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारा प्रयास और जो विश्वास है उसको गलत ना समझें और कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि अगर आपको और भी कोई बात है तो आप मुझ तक जरूर बात करें, और किसी भी प्रकार से अगर मेरी लाइक कोई भी सेवा हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जितना अच्छा हो सके मैं पूरी कोशिश करके उसको आपको देने की पूरा संभव प्रयास करता रहूंगा। इसी उम्मीद के साथ जय जिनेन दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, आप खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और ईश्वर की दिव्य दुनिया में हम जितना अच्छा कर सकें एक दूसरे के लिए अच्छा भावना से प्रयास कर सकें। नमस्कार।